रविवार को बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के द्वारा ग्राम कुनहेटा में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान लगभग एक दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष विनय तिवारी के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन नवयुवकों ने शिविर में जाकर रक्तदान किया। अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि बुंदेलखंड के बहुत से लोगों की जान रक्त की कमी की वजह से चली जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें जानकारी मिलेगी तो सेना का एक एक सिपाही हमेशा रक्तदान के लिए उपस्थित रहेगा, जिससे रक्त की वजह से किसी की जान ना जाए। कहा कि नवनिर्माण सेना हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाती रही है और पीड़ित को हमेशा न्याय दिलाने का कार्य किया है। ब्लड बैंक प्रभारी हरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ रक्तदान शिविर में उपस्थित रहे। रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप से सत्यम शिवहरे, हरिशंकर द्विवेदी, अजय यादव, दीपक सविता, फूल सिंह आदि नवयुवकों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान हरिशंकर तिवारी, हेमंत कुमार, जिला सचिव देव यादव सहित सेना के अनेक सिपाही व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मेरा नाम फूल सिंह परिहार अमोखर से हूँ मैं, और हमारा ये बुंदेलखंड नव निर्माण सेना का सदस्य हूँ, और हम लोग इस टीम से संगठन से हमने गरीबों के लिए रक्तदान किया है, जिससे हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे गरीबों के लिए। मैं अजय यादव हमीरपुर बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का सदस्य, आज ग्राम कुनहेटा में मैंने रक्तदान किया और हमारे विनय तिवारी जी के द्वारा हमारा यहाँ पे आना हुआ और हमने रक्तदान किया। हमारा ये मानना है कि ब्लड हम ऐसा डोनेट करते रहें, ताकि और हमने आज ब्लड डोनेट किया, इससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है। मैं विनय तिवारी, अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। आज हम लोगों ने यहाँ पर रक्तदान शिविर का ये द्वितीय चरण हमने यहाँ पर ग्राम कुनहेटा में लगाया है, क्योंकि बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना हमेशा से गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनती रही और वंचितों के लिए, चूँकि बहुत से लोग हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ पर रक्त की कमी से या खून की कमी से बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, जिसके लिए हम लोग, हमारा संगठन पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है कि ताकि किसी तरह से खून की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और यहाँ पर लगभग एक दर्जन नवयुवकों ने, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के नवयुवकों ने यहाँ पर रक्तदान किया है, और हमने ये भी आश्वासन दिया है, साथ में हमारे ब्लड बैंक के हरेंद्र जी थे प्रभारी, उनसे हमने कहा है कि यदि बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना की ज़रूरत जहाँ भी पड़े, किसी को भी खून की कमी महसूस होती है या किसी को रक्त की आवश्यकता है, तो बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना पूरी तरह से हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। जहाँ भी कहेंगे वहाँ पर ब्लड देने के लिए संगठन का एक एक सिपाही पहुँचेगा।